दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके रेल स्पार्क चैनल पे। दोस्तों आज नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की पहली खबर है कि रेलवे ने ये तय किया है कि अब वह किराया बढ़ा देगा। अभी पिछले दिनों ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद यादव ने कहा था कि किराया नहीं बढ़ाएगा, तभी मैं समझ गया था कि किराया बढ़ाया जाएगा। रेलवे ने देश भर में मूल यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। रेलवे ने एक आदेश जारी कर कहा है कि उपनगरीय भाड़े में वृद्धि नहीं की गई है। यात्रियों को पहले की तुलना में अब ज़्यादा किराया चुकाना होगा, जिसका लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर सीधा असर होगा। किराए की बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी से यानी आज से ही लागू हो गई हैं। अब अर्बन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं। रेलवे बोर्ड ने मंगलवार देर शाम इस आशय का परिपत्र सभी जोनों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों के लिए जारी कर दिया। नए किराए 1 जनवरी 2020 से लागू होंगे। रेलवे के परिपत्र के मुताबिक उपनगरीय सेवा के एकल यात्रा टिकट मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकटों के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। माल एवं सेवा कर पूर्ववत लागू रहेंगे। दोस्तों दूसरी खबर है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव का अगले साल के लिए वो कर दिया गया है, मतलब एक साल उनका जो है बढ़ा गया है कार्यकाल। वो आज ही सेवानिवृत्त हो रहे थे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उन्हें 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक इसी पद पर पुनः नियुक्त करने का फैसला लिया। रेलवे बोर्ड के सदस्य कार्मिक मनोज पांडे भी आज सेवानिवृत्त हो रहे थे, उन्हें कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। बल्कि रेलवे बोर्ड के एक दूसरे सदस्य हैं ट्रांजेक्शन राजेश तिवारी को उनकी जगह पदभार संभालने को कहा गया है। विनोद कुमार यादव गोरखपुर के हैं दोस्तों और काफ़ी तेज तरार हैं, ये शुरू से ही आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते थे और सरकार के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। तीसरी खबर है, अब देश के 100 रेल मार्गों पर 150 निजी ट्रेनें दौड़ेंगी। इन मार्गों पर जल्दी ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इन मार्गों पर अगले महीने से बोलियां शुरू हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी ने 19 दिसंबर को ही प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद निजी ऑपरेटर्स के लिए ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रक्रिया में लंबी दूरी वाले जरूरी मार्गों का चयन किया गया है, जिसमें मुंबई कोलकाता, मुंबई चेन्नई, मुंबई गुवाहाटी, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, कोलकाता चेन्नई और चेन्नई जोधपुर मार्ग शामिल है। इसके साथ ही मुंबई वाराणसी, मुंबई पुणे, मुंबई लखनऊ, मुंबई नागपुर, नागपुर पुणे, पटना बेंगलुरु, दिल्ली पटना, दिल्ली गोरखपुर के अलावा छपरा और भागलपुर वाले मार्ग का भी चयन किया गया। जानकारी के मुताबिक 100 मार्गों पर 150 से ज़्यादा निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब ट्रेनों के संचालन की तैयारी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 वर्षों में सभी ट्रेनों की चलाया जाएगा। रेल विभाग के अनुसार इसमें रेल के विकास में गति आएगी। वहीं खाली मार्गों पर रेलवे ऑन डिमांड ट्रेनों का संचालन करेगा। इसका मतलब है कि अगर दिल्ली मुंबई वाले मार्ग पर एक और ट्रेन की जरूरत होगी तो उसे जल्द चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे के इन 100 मार्गों में से 35 नई दिल्ली से कनेक्ट होंगे, जबकि 26 मुंबई से, 12 कोलकाता से, 11 चेन्नई से और 8 मैंगलुरु से कनेक्ट होंगे। चौथी खबर दोस्तों, सोनीपत हरियाणा के जिले के पास जो है राजलूगढ़ी स्टेशन के पास ठंड के चलते अम्बाला दिल्ली रेलवे ट्रैक में दरार आ गई थी, लेकिन रेलवे के कर्मचारी संजय की सूझबूझ से हादसा टल गया। रेलवे ट्रैक पर दरार की सूचना मिलने के बाद रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दरार को ठीक कर दिया। कुछ घंटे रेल यातायात बाधित रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।